को यदि आपने नहीं किया है तो आप कर लें सारा कंटेंट यहाँ पे आपके लिए फ्री है और आने वाले टाइम में बाकी कोर्सेस के भी कंटेंट आप चाहे वो IELTS हो TOEFL हो यूजीसी ने पीजी टी टीजी ग्रामर सारा आपके लिए यहाँ पे फ्री कोर्स अवेलेबल रहेगा सो so, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और और इसको शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी हाउ मिल सके ओके सो देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो कॉम्पिटेटिव में बच्चे बैठना चाहते हैं उनका वोकैमरी लेवल भी अच्छा होना चाहिए तो इसीलिए मैं बीच बीच में आपको वोकैप करा यहाँ पे भी करा रहा हूँ जब मैं ग्रामर कराता हूँ हाँ नाउन और प्रो नाउन में मैंने ग्रामर सॉरी वोकैप के पोर्शन छोड़ दिए थे लेकिन आपका जो वोकैबरी का है अलग से वीडियो है है ना एक बार आप वोट पार वाला चेक कर लीजिएगा उसमें मैंने वोट पार के जो कैब हैं प्लस अदर वो कैब्स हैं वो भी मैंने वहां पे डाले हुए हैं तो आप उनको लगातार वीडियोस को देखते रहें और आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा वीडियोस वहाँ पे मिलेंगे तो ताकि आपका एग्जामिनेशन में वो कैवरी का कोई इशू ना आए चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे एथीमोलॉजी एथीमोलॉजी ये शब्द को आ, मैंने आपको बताया था एथीमोलॉजी का मतलब ओरिजिन है ना शब्दों का ओरिजिन कैसे हुआ कि पहले आ, ये लैंग्वेज में ग्रीक में इसका मतलब ये था फिर बाद में इंग्लिश में इसका मतलब ऐसा हो गया है ना तो ये एथीमोलॉजी एतिमा, यानी इसको एडजेक्टिव बोले तो एथीमोलॉजिकली आप उसको एक्सप्लेन करते तो मैं आपको सारे रूट वर्ड जो है एथीमोलॉजिकली बताता हूँ सो so, अभी ये नाउन फॉर्म है एडजेक्टिव में एथीमोलॉजिकली ओके okay. अब इंसेक्ट जो है इंसेक्ट का मतलब होता है आई एन इन मीन्स इन और सेक्ट मीनस कट तो मैंने आपको पहले भी बताया आप पिछले आप का वीडियो यदि देखेंगे तो इंसेक्ट जो इंसेक्ट होता है तो उसमें आपने देखा होगा कट मार्क होता है ना कट मार्क होता है इस तरह से तो इंसेक्ट ठीक सो इंसेक्ट मीन्स वॉट इन प्लस सेक्ट मींस कट अब होता है एक एक मीन्स ग्रीक में इसका मतलब होता है आउट और लैटिन में इसका मतलब होता है एक्स तो एक अब देखते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पे टॉन्सलेक्ट थॉमी अब देखिये टॉन्सलेक्ट का मतलब क्या है टॉन्सलेक्ट का मतलब है टॉन्सिल टॉन्सिल यानी टॉन्सिल आपको पता ही है कि जो टॉन्सिल हो जाता है तो टॉन्सिल uh, जब हो जाता है तो उसको निकालने के लिए हां उसको कट करके बाहर बाहर निकालना पड़ता है तो एक मतलब आउट एंड टॉम मींस कट तो टॉन्सिलक्टोमी यानी टॉन्सिल को कट करके बाहर निकाल देना एक मतलब आउट एंड टॉम मींस कट ओके ऐसे अपेंडिक्टोमी यानी अपेंडिक्स जो हो जाता है पेट में है ना तो uh, ये जो अननेसेसरी जो बढ़ जाता है तो उस अपेंडिक्स को क्या किया जाता है आउट कर दिया जाता है कैसे कट करके ऐसे मैस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है जो ब्रेस्ट होता है मान लीजिए किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसके ब्रेस्ट को क्या कर देते हैं आउट कर देते हैं कट करके तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें उसको कट करके बाहर किया गया ओके ऐसे मेल है मेल का जो जिसमें स्पर्म यू नो प्रोड्यूस होता है ठीक आ, तो उसको जब आप कट करके बाहर निकाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ओके तो तो आउट एंड कट कर देना तो ये मेल आ, मेल के लिए हो गया अब वो जो वो का वीडियो है मैंने उसमें पिक्चर भी लगाया हुआ है तो आप उसको जरूर देख लें अब असेंट्रिक हो गया असेंट्रिक का मतलब क्या होता है देखिये मींस आउट एंड सेना तो सेंटर से कोई चीज बाहर हो यानी कि जो आपका एक्सपेक्टेड है उससे बाहर हो <coughs> यानी कि स्लाइटली स्ट्रेंज बिहेवियर किसी व्यक्ति का बिहेवियर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है सेंटर से हटके है यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर है है ना तो आप सकते हैं सेंट्रिक है ना वो हो जाता है क्या असेंट्रिक चलिए आगे देख लेते हैं एटम देखिए ए का मतलब होता है नॉट है ना ए का कई जगह मतलब क्या होता है नॉट और काट, यानि जिसको और छोटा ना काटा जा सके वो एटम हो जाता है ठीक एनाटमी एनाटामी का एना एनामिंस आउट एंड थम मिन्स काट यानी कि चीजों को अलग अलग हिस्सों में देखना है ना अलग अलग हिस्सों में देखना तो जैसे कि ह्यूमन एनाटमी तो भाई आप है ना लंग के बारे में अलग पढ़ रहे हैं और लीवर्स के बारे में अलग पढ़ रहे हैं किडनी के बारे में अलग पढ़ रहे हैं तो अलग अलग करके पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन एनाटॉमी हो गया इसका वेट कितना है इसका साइज कितना है स्ट्रक्चर क्या है तो ह्यूमन एनाटॉमी ओके okay. आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम एक्सिव के रूल्स भी देखने वापस शुरू कर देंगे अः का मतलब क्या होता है देखिए डाय मतलब टू होता है कट होता है तो किसी भी चीज को दो भागों में बांट देना या हाफ कर देना क्या लाता है ना डाय कहलाता है एपिटोम का मतलब क्या है एपिटोम का मतलब होता है किसी भी चीज का छोटा रूप एपिटोम कहलाता है ये किसी चीज का उदाहरण हो गया है ना तो वो और किसी जैसे बड़ा फोटो है उसका आपने छोटा फोटो कराया तो वो भी एक उसका एपिटोम हो गया कोई बहुत बड़ा यू you नो know, पैराग्राफ है उसको छोटा कर लिया आपने उसका समरी सो so, वो एपिटोम हो सकता है किसी चीज का छोटा रूप है ना चलिए अब वापस आ जाते हैं जेक्टिव पे आ, तो बीच बीच में आपने वो क्या आपको जरूर ध्यान दें इंपॉर्टेंस दें ये आपके सिर्फ एग्जाम में नहीं आपके लाइफ में भी काम आएगा ओके okay, डिग्री so, की बात करते हैं तो लेटिव में बेस्ट और मोस्ट के साथ लाइक like का प्रयोग इस तरह से होता है याद रखिए इसमें द आप कैसे बोलते हैं द मोस्ट यही तो लगा रहे थे है ना बेस्ट या द बेस्ट है ना क्योंकि यहाँ वॉवल नहीं है बाकी इंटरचेंज होता है तो वो स्पोकन के कोर्स में आप चेक कर सकते हैं ठीक है कि जब जब वॉवल आता है तो दी बोलते हैं लेकिन उसको आप द भी बोल सकते हैं जब आपको स्ट्रेस करना होता है ना मोस्ट की जगह आप है ना लाइक मोस्ट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा है ना तो आपको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे आपको लाइक मोस्ट like तो आप इस तरह से बोल सकते हैं like, आई लाइक जैसे मान लीजिए कोई कोई भी कहानी ले लीजिए ए बी सी है ना या हेमलेट शेक्सपियर uh, का ठीक है हैमलेट uh, मोस्ट uh, ऐसे तो बोल सकते हैं लेकिन आप तो यहाँ पे मोस्ट के साथ लाइक नहीं लगाया ना आपने ठीक है मोस्ट के साथ नहीं लगा रखा है तो याद रखिए हाँ, तो लाइक बेस्ट लाइक लेकिन इस स्ट्रक्चर में लाइक के बाद आपने हेमलेट लिखा हेमलेट के बाद दी मोस्ट तो ये चल जाएगा याद रखिए जब एक से अधिक एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाता है तो सभी एडजेक्टिव एक ही डिग्री के होने चाहिए याद रखिए है ना तो देखिए यहाँ पे अब एन से आपने वाइजर और स्ट्रॉन्गर आपने ये बोला वाइजर और स्ट्रॉन्गर तो भाई दोनों क्या है पॉजिटिव डिग्री सॉरी सॉरी डिग्रीटिव डिग्री है, है ना लेकिन दूसरे वाले में आपने क्या किया एक पॉजिटिव डिग्री यूज कर लिया दूसरा सॉरी दूसराटिव डिग्री यूज किया है तो इसमें क्या ये इनकोरेक्ट हो गया आप आप दोनों एक जैसे डिग्री रखेंगे ना तो यहाँ पे वाइज का क्या आ जाएगा वाइजर आएगा है ना लेकिन एक एक मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछता हूँ क्या यहाँ पे वाइज एंड ना स्ट्रॉन्ग लिखूंगा तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा राम इज वाइज एंड स्ट्रॉन्ग श्याम तो क्या ये सही हो गया आप पॉज करके सोचिए और और मैं अब आप, आपको एक, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ यदि आप लिखते हैं राम इज वाइज एंड स्ट्रॉन्ग तो भी गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि जो पॉजिटिव डिग्री वाले होते हैं उसका फॉर्मेट क्या है एज डैश एज है ना या नेगेटिव है सो एज तो यहाँ पे आप देखिए देन लिखा हुआ यानी कंपेरेटिव एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगाएंगे why is and strong दो भी गलत हो जाएगा है ना क्योंकि फॉर्मेट वो कंपैरेटिव का तो यहाँ पे वाइजर ही लगाना पड़ेगा आपको चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हाँ। कई एग्जैक्टिव क्या होता है याद रखिए कई एग्जैक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है आप जैसे अह यू नो उसका कंपैरेटिव ई आर लगा के आ, ऐसा करके नहीं बनता है तो याद रखिए है ना आपको आपको पता ही है कि आ, आपको कंपेरेटिव बनाना है तो मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव लगाना है तो द द द मोस्ट लगा सकते हैं है ना द तो इस तरह का इस तरह से कईयों का क्या होता है कंपेरेटिव नहीं बनता है याद रखिएगा है ना अब जैसे जैसे कुछ लेखक इसको फुल फुलर फुलेस्ट बना देते हैं ओके जबकि इन सबका नहीं बनता है ठीक है एम्फोसाइज करने के लिए यूज किया जाता है ओके सो ओके तो मोस्ट परफेक्ट मोस्ट इम्पॉसिबल इस तरह से आप यूज कर लेते हैं तो ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि और सेलेबल का भी हमने पढ़ा था कि यदि दो से ज्यादा सेलेबल आता है तब भी आप यू you नो know, इस तरह से आ, आ, यूज करते हैं ओके okay. तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला फटाफट अब जो हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा रूल वहां पे भी कवर हो जाएंगे सो डोंट वरी नाउ काइंड शॉर्ट डोंगुलर देखिए काइंड और शॉर्ट तो याद रखिएगा जब भी काइंड kind ऑफ of इस तरह से आप लिखते हैं या शॉर्ट है ना तो इधर इधर तो प्लूरल आएगा और इधर सिंगुलर आएगा है ना तो दिस दैट का प्रयोग जो होगा वो कैसे होगा सिंगुलर uh, फॉर्म में होगा याद रखिए दिस और इधर ड्रेसेस है ना दैट

तो वो प्लूरल होना चाहिए और इफ नॉट में सिंगुलर होना चाहिए तो जैसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ दिखा दू नॉट लगाए तो वन, वन 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 तो प्लूरल लिखा है, और इफ का यूज़ है, तो है, है आप तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए अब मुझे ये बताइए का मीनिंग क्या होगा पहले वाले का है ना इसका मीनिंग क्या होगा ठीक तो चलिए पॉज करके आप सोच सकते हैं मैं इसका बताता हूँ मीनिंग कि देखिए यहाँ पे राइटर्स तो मान लीजिए इंडिया ठीक है तो इंडिया में क्या है इंडिया में कोई राइटर है मान लेते हैं मिस्टर एक्स ठीक तो मिस्टर एक्स जो है वो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर है है ना कि भाई इंडिया के बहुत सारे राइटर में से वो एक अच्छे लेवल uh, के राइटर हैं सबसे अच्छे लेवल के हैं इंडिया में लेकिन वो वर्ल्ड के नहीं है ना ठीक है तो इफ नॉट द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट जो है उसमें से नहीं है लेकिन एक एक अच्छे राइटर है ठीक है ओके okay. तो अभी आपको समझ में आया होगा तो वो, वो यहाँ पे इसीलिए सिंगुलर यूज करते हैं और यहाँ पे प्लुरल यूज करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स तो मान लेते हैं आगरा आगरा शहर ले लिया हमने है ना तो, तो आगरा में ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है ऐसा मान लेते हैं लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा नहीं है ना ठीक है समझ में आएगा तो इफ नॉट के साथ वर्ल्ड uh, लिखा आपने लेकिन यहाँ पे वन uh, ऑफ के साथ बिल्डिंग्स प्लूरल लिखा है ये सिंगुलर है ठीक है ऐसे यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स लेकिन वर्ल्ड का नहीं है मान लेते हैं गंगा है ना गंगा जो है ठीक तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है ऐसा ऐसा सेंटेंस बन, बना दिया हमने लेकिन क्या वो दुनिया की लंबी नदी है नहीं ठीक है तो आगे समझ में आपको इस तरह से सेंटेंस याद रखिए करेंगे चलिए और आगे देखते हैं में क्या क्या और रूल है तो यहाँ पे भी सेम दिया है वन ऑफ आपको याद होगा प्लूरल है ना वन ऑफ दी यहाँ पे भी प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आता है ठीक है और और कुछ नहीं बताया गया आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लें चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम Uh, जिनमें देखिए कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें एग्जेक्टिव का कंपेरेटिव डिग्री इस तरह से भी यूज होता है जैसे द मोर अब देखिए द बेस्ट आपने देखा था सुपरलेटिव में द बेस्ट है ना और दी मोस्ट uh, इस तरह से ही देख रहे थे ना तो आपने द मोर नहीं देख रहे थे ना ये तो कंपेरेटिव वाला था लेकिन इस तरह का इस तरह के सेंटेंस में कंपेरेटिव का ऐसा भी फॉर्म देखेंगे जिसमें द लगा हुआ है याद रखिए सिर्फ इस तरह के सेंटेंस में होगा द मोर शी गेट्स मोर शी डिमैंड ये पूरा एक्चुअली एक, एक दोनों का इसमेंगे तो दोनों है आगे भी बढ़ रहा है और कंपेरेटिव भी है तो इस तरह से sentence है. The more she gets, है जितना उसको मिलता है वो उतना और डिमांड कर रही है द रिचर मैन द रिचर अज द लार्जर हाउस है ना द मोर आई ट्राई टू प्लीज होर एंग्री बिकम्स ओके तो जितना मैं उसको प्लीज करने की खुश करने की कोशिश करता हूं उतना ही ज्यादा वो गुस्सा हो जाती है तो इस तरह में दा लग जाता है। अदरवाइज़ द का याद रखिए के साथ ना richer richer, तो कंपेरेटिव एंड रिचर कूलर एंड कूलर है ना तो इस तरह का प्रयोग लेकिन द नहीं लगेगा याद रखिये अब यहां पे देखिए शी रंस अब यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा अब एक मतलब कि पॉजिटिव डिग्री वाला पॉजिटिव डिग्री वाला और एक डिग्री वाला दो सेंटेंस को जोड़ दिया हमने शी एज एज फास्ट इफ नॉट फास्टर पहले इस तो मुझे ये बताइए कि इसका मीनिंग क्या होगा है ना आप पॉज करिए वीडियो को और सोचिए आप क्या मीनिंग होगा इसका ठीक चलिए मैं उसका मीनिंग बता देता हूं तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं शाम है और ये शी है है ना? तो ये शाम के बराबरी भागती भाई एज फास्ट पॉजिटिव डिग्री है ना उसके बराबर भागती है लेकिन अब कंपैरेटिव करना है लेकिन उससे तेज नहीं भागती है ठीक आए समझ में एक बार पॉज करिए वीडियो फिर से सोच लीजिए और समझ में आ जाएगा आपको नेक्स्ट देखिए ही इज एज गुड एज यानी कि यू के बराबर आपके जैसा ही वो अच्छा है है ना लेकिन आपसे ज्यादा नहीं ठीक द हाउस इज एज लार्ज एज है ना उसके उतने ही ज्यादा घर बड़ा है लेकिन उससे ज्यादा नहीं ठीक है तो इसका मतलब इस तरह से कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कौन कौन सा रूल है आ, ओके अब ये वाला देखिए अब जो ये आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं है ना इसको एम्फोसाइज करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है याद रखिए मच माच फॉ बायो फॉर फा एंड अवे स्टिल इस तरह के जो होते हैं ये एम्फेसिक यानी एम्फेसाइज करने के लिए होते हैं जैसे मच वाइजर अब आपने एडजेक्टिव uh, uh, के साथ कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ मच वाइजर यानी कि आप यहां पे क्या करना चाहते हैं एम्फेसाइज करना चाहते हैं ठीक है फा बैठ ओके और द बुक इज बेटर बाय फा ठीक है द मैगजीन इज स्टिल बैठ तो यहां पे या फिर कभी कभी ऑल द का भी प्रयोग हो जाता है तो ऑल द बेटर है ना ऑल द मोर इंटरेस्टिंग तो ये इस तरह से किस किस लिए आप एडजेक्टिव के साथ इनका प्रयोग करते हैं Emphasize करने के लिए है ना महत्वपूर्ण बनाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं जनरली आप एडजेक्टिव का प्रयोग कहा कैसे करते हैं जनरली आप एडजेक्टिव का प्रयोग भाई नाउन या प्रोनाउन से पहले ही करते हैं है ना नाउन या प्रोनाउन से देखिए ये ये आपका क्या हो गया बॉय है ना नाउन तो उससे पहले गुड क्या होगा उसका विशेषता बता रहा है जनरली ऐसे ही तो करते हैं ठीक है गर्ल से पहले आपने ब्यूटीफुल लगा दिया शी इज 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 अ अ ब्यूटीफुल गर्ल ही गुड बॉय ठीक लेकिन मान लीजिए आपके पास एडजेक्टिव ज्यादा हो तो आप नाउन या प्रोनाउन के बाद भी लगा सकते हैं जैसे यहाँ पे ले आओ है ना द सोल्जर फियरलेस एंड डिटरमाइंड ठीक है तो अब ये बाद में लगाया आपने अ गर्ल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल तो ये दोनों एडजेक्टिव बाद में लगाए तो आप ज्यादा हो तो बाद में भी लगा सकते हैं है ना बाद में लगाते हैं यदि वाक्य में कोई यू नो इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो एडजेक्टिव का इस तरह से प्रयोग तो इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल हो गया है ना इट इज समथिंग एनीथिंग नथिंग समवन तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग हो तो आप इसके बाद में फिर से बाद में लगा रहे हैं इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है ना न्यू पावरफुल तो ये सब आप एडजेक्टिव इन इन केसेस में इनडेफिनेट के केस में बा, बाद में भी लगाते हैं इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित हो समथिंग से पता नहीं चल रहा ना कितना ठीक तो अनिश्चित हो गया इंडेफिनेट हो गया ओके आगे बढ़ जाते हैं कभी कभी क्या होता दी ग्रेट, तो दी ग्रेट बाद में है आप देखिए क्यों लगाया द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान नहीं अः आपने बोला पृथ्वीराज चौहान दी ग्रेट यानी कि आप पदवी दे रहे हैं है ना तो इस, इस तरह से आप बाद में भी अः क्या करते हैं एज्जेक्टिव का इस्तेमाल करके

कविताओं में देखेंगे तो भाई जो राइटर्स होते हैं अपना राइम को मैच करने के लिए बाद में भी यूज कर लेते हैं ठीक है तो वो गलत नहीं है वहां पे एजेक्टिव जैसे कि की ashamed, अशीम्ड अब ये इसको ध्यान से देखिएगा ये क्या है so, प्रेडिक्टिवली सो प्रेडिक्टिवली प्रेडिक तो प्रेडिक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो वर्व के बाद आता है याद रखिए तो देखिए यहाँ पे इसके बाद है स्लिप है इसके बाद अबिक है एम के बाद अलोन है लुक के बाद अलाइक है तो ये हमेशा वर्ब के बाद ही आते हैं ये एडजेक्टिव्स याद रखिए कौन से प्रेडिक्टिवली ओके अह ओके प्रेडिक्टिवली आते हैं ये क्या एडजेक्टिव ओके नेक्स्ट देखते हैं जब ओके uh, okay, मैं इसको हटा देता हूँ और थोड़ा सा इसको ड्रैग करके नीचे कर लेता हूं ओके जब एडजेक्टिव के साथ फ्रेज या वर्ड है ना आ, आता है और प्रयुक्त होता है तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ, के साथ कोई वर्ड उसे स्पष्ट करने के लिए आ रहा है मतलब एडजेक्टिव को स्पष्ट करने के लिए आ रहा है ठीक तो आप क्या करेंगे उसको एडजेक्टिव को बाद में लगा के और उसका प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा जाता है जैसा अ मैन वाइजर देन हिज हम्म वॉइजर अब देखिए यहाँ पे

तो आप इसको बाद में भी लगाते हैं तो इस तरह से जैसे देखिए तो कुछ, तो तो कुछ लोग सोचते हैं नहीं यही सही है और कुछ लोग वीडियो बना देते हैं कि इसको बोलते हैं अरे भैया तो है ना ठीक है तो ये चीज ध्यान रखें और आप कॉन्फिडेंट रहे और कोई सामने वाला बोलता है तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये आप बाकी चीज में तो आप यूके का प्रोनाउंसिएशन बोलते हो है ना तो बाकी भी अमेरिकन क्यों नहीं फॉलो करते आप तो आपको दोनों प्र... पता होने चाहिए सो बी कॉन्फिडेंट फाइन सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स uh, डियर बोला है डियर uh, फ्रेंड्स नहीं बोला है चिल्ड्रन uh, डियर uh, बोला है ठीक है डियर चिल्ड्रन नहीं बोला है तो याद रखिएगा इस चीज को अब देखिए तो ये इसका मतलब गलत नहीं हो गया क्योंकि ये पो, मॉडिफाई करता है उसके सामने ही रखना चाहिए यानी कि कहीं पे भी लगा दिया हमने मीनिंग गलत हो जाएगा है ना so, देखिए यहाँ पे जो बात करें जैसे ओनली इवन ये है ना तो इस सेंटेंस में यदि आपने कहा यू विल ओनली अब only कहां पे लगाया है ओनली वन पैकेज के लिए पैकेज ऑफ सीड्स के लिए तो ओनली यहाँ पे आना चाहिए जिस चीज को वो मॉडिफाई कर रहा है उस चीज के लिए लगाया ना वहां पे लगाए नहीं तो उसका मीनिंग किसी और को मॉडिफाई करेगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता गलत हो जाएगा सेंटेंस ऐसे यहाँ पे भी आप देखिए है ना तो उन clauses या फ्रेजेस को भी उसी जगह पर रखना चाहिए द रॉवर वॉज अब ध्यान से पॉज कर लीजिएगा इसको और इसका मीनिंग सोच के मुझे बताइएगा रॉवर वॉज डिस्क्राइबैच तो आप पॉज करिए और इसका मीनिंग निकालिए चलिए तो उसका मीनिंग क्या आपका ऐसा निकला क्या जो रॉवर है वो एक मैन है और उसकी काली मूछे हैं और वो, वो वेट करता है 150 पौन. नहीं ये इसका मीनिंग ऐसे नहीं निकल रहा इसका मीनिंग जो निकल रहा है जो रॉवर है वो लंबा एक लंबा आदमी है जिस जिसकी मूछे हैं और उसकी मूछे यानी 150 सौ की हैं ये तो आप गलत यूज किया ना आपने इसका मैं उसकी मूछे नहीं वो खुद है तो इसको इधर यूज करिए उसके साथ टॉल मैन वेइंग वन फिफ्टी विद अ ब्लैक मुस्टैच है ना तो इस तरह से आपको यूज करना चाहिए और जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये कॉम्बिनेशन ऐसी होना चाहिए जो John जो जॉन है आफ्टर ट्राइंग टू टू रीच द बॉल गेट तो ये क्यों गलत है क्योंकि आपको भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्फिग्रेशन तो सब्जेक्ट ये है और जॉन डिसाइडेड नो ठीक है जॉन ने डिसाइड किया ना तो सब्जेक्ट वर्व ये है तो जॉन यहाँ पे जॉन डिसाइडेड टू गेट लेडर और उसके बाद ये सेंटेंस लिख सकते हैं तो आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें या फिर इस पूरे पोर्शन को इस इधर लिख सकते हैं तो ये इस चीज का ध्यान रखें नहीं तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस ओके okay, आगे समझते हैं आप याद रखिए जो कलर एडजेक्टिव हो देखिए आपका कलर मेटीरियल एडजेक्टिव जो होगा और कलर एडजेक्टिव जो होगा है ना इन इन दोनों में से पहले आप किसको लिखेंगे कलर एडजेक्टिव का मतलब कैसे हो गया जैसे कलर एडजेक्टिव का मतलब हो गया जैसे ब्लैक

रेड लेदर जैकेट तो जैकेट कैसा कौन सा मटेरियल का बना है लेदर uh, का और कौन से कलर का है तो रेड तो रेड रेड पहले आया आया मटेरियल एडजेक्टिव सॉरी बाद में आया. ऐसे ब्राउन आयानी टेबल महगनी क्या है मटेरियल पे उस महगनी पे लकड़ी से बना हुआ है और वो कैसा है ब्राउन है तो पहले कलर एडजेक्टिव और फिर मटेरियल एडजेक्टिव ठीक है तो ओके okay. यहाँ पे भी देखिए रेड आयरन कोट है ना तो आयरन मटेरियल हो गया और ये कलर एडजेक्टिव हो गया ठीक है तो इस तरह से आप याद रखिए कि आप कलर वाले को कहाँ रखेंगे लेकिन 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 आप यहाँ पे एक चीज देखिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ ये यहाँ पे यदि आपके पास यदि आपके पास प्रॉपर है ना सॉरी ये देखिए जैसे प्रॉपर नाउन होता है प्रॉपर नाउन कैसे हो गया इंडिया इंडिया एक प्रॉपर नाउन है राम श्याम है ना ठीक तो इंडिया इंडिया से क्या बनाते हैं आप प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे इंडियन तो याद रखिए रखिये एंड प्रॉपर एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव तो जैसे यहाँ पे अफ्रीकन क्या हो गया अफ्रीकन अफ्रीकन हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव ठीक है और, तो और ये मेटीरियल हो गया आपका तो याद रखिए पहले कौन सा आएगा पहले हमने कलर और मटेरियल वाला किया था ना तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आपका प्रॉपर एडजेक्टिव एंड स्ट्रॉ तो क्या होगा मटेरियल हो गया, हो हो गया और इंडियन पर्ल नेकलेस तो पर्ल क्या हो गया भाई, मेटीरियल हो गया और इंडियन क्या हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव है ना तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप अब कुछ ऐसे ईडी वाले लास्ट में जिनके ईडी आता है एडजेक्टिव होते हैं है ना जो इस तरह वो उनके साथ प्रेपोजिशन आता है यानी उनके बाद में है ना ओके जस्ट